नमस्कार, मैं हूं सचिन श्री पवन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यंगिस्तान की सोच। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मतदाताओं में एक बड़ी तादाद युवाओं की है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव में इनको अपने अपने पाले में करने में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री की तमाम योजनाएं युवाओं को लुभाएंगी या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत बनकर उभरी बीजेपी पर प्रदेश का युवा भरोसा करेगा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि बीएसपी और सपा के बारे में क्या है इन युवाओं की राय। इन तमाम मुद्दों पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की हमारे संवाददाता ने। यंगिस्तान की सोच कार्यक्रम में हमने आज लिया है हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में न केवल गढ़वाल क्षेत्र के बच्चे अध्ययनरत होते हैं बल्कि देश विदेश से भी यहाँ पर पढ़ाई के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं। खासकर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर एक एजुकेशन हब है। यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय से लेकर तमाम NIT पॉलिटेक्निक, इसके अतिरिक्त और भी तकनीकी और जो आर्ट सब्जेक्ट वो किसी दूसरे क्षेत्र में हो वो भी यहाँ पे है। लेकिन हमने गढ़वाल विश्वविद्यालय को इसलिए इस कार्यक्रम में लेने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पर आर्ट सब्जेक्ट से लेकर साइंस सब्जेक्ट से लेकर तकनीकी विषय या फिर इसके अतिरिक्त जो विषय है वो यहाँ पे हैं और बच्चे यहाँ पे तमाम पढ़ने आते हैं। ये गढ़वाल का एक केंद्र बिंदु है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी, ये पांच जिले मुख्यतः यहाँ पांच जिलों के जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने आते हैं। हमारे साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय के तमाम यहाँ पे जो अध्ययनरत छात्र छात्र हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यंगिस्तान की सोच कार्यक्रम में जो आज का युवा है वो क्या सोचता है, खासकर ऐसे दौर में जब मुझे अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है कि आज के बच्चे देश का कल का भविष्य होंगे। ऐसे में शिक्षा की बात करें, प्लान की बात करें, रोजगार की बात करें, सरकार से अपेक्षाएं क्या रखते हैं, ये सब, ये इन तमाम बिंदुओं पर क्या ये लोग सोचते हैं हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार भी मुझे लगता है शायद वोट देने जा रही होगी विधानसभा का या लोकसभा का। अभी जो अंतिम वर्ष का अंतिम क्षण है और एक मुझे लगता है शायद पहली बार आपको मौका मिलेगा वोट देने का। आप किस सोच के साथ एजुकेशन में क्या सरकार को करना चाहिए कि आप सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाओगे? हमारे स्टूडेंट, मतलब जो हम स्टूडेंट हैं, हम हर क्षेत्र से डिप्लोमा तो प्राप्त कर लेते हैं बट जब एजुकेशन पूरी हो जाती है तो हमारे लिए जॉब बहुत कम होती है, जिससे कि मतलब कुछ बच्चों को बेरोजगार रहना पड़ता है या प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। तो पहले तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि हर क्षेत्र से जब बच्चे डिप्लोमा कर लेते हैं तो उनको जॉब मिलनी चाहिए। पढ़ाई तो पूरी हो जाती है लेकिन रोजगार का साधन क्या होगा? चलिए आगे भी हम बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ पे अध्ययनरत हो, आप क्या सोचती हो ऐसा कि देश की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो वो आपके लिए जो आप सोचते हो शिक्षा के क्षेत्र में वो पूरा नहीं कर पा रहे? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी के तो पहले लैब वगैरह सही होने चाहिए, उसकी तो बुक भी नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बुक भी नहीं है उसके लिए, तो शुरुआती ऐसे है फिर तो। मतलब आप ये चाहती हो कि सरकार को हिंदी मीडियम में जो किताबें हैं वो मुझे यहाँ पे पुस्तकालय में करवा देनी? जी बिल्कुल। खासकर गढ़वाल के परिवेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर ज्यादातर गढ़वाली और हिंदी भाषा ही होते हैं, तो ऐसे में इंग्लिश किताबें जब उनके सामने आ जाती है तो थोड़ी दिक्कत उनको जरूर होती है। तो ऐसे में अभी हमारे पास जो बिंदु आया है कि तकनीकी क्षेत्र में हो या फिर इसके अतिरिक्त कोई दूसरे विषय हो उसमें हिंदी लाइब्रेरी में होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देश में आज एक सबसे बड़ा बिंदु है नोटबंदी, नोटबंदी पे हम बात करेंगे। आप बताइए कि नोटबंदी होने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल में कितना अंतर मान रही है? तो नोटबंदी से कुछ ज्यादा फर्क तो आया नहीं, बट मैं खुश हूँ कि नोटबंदी हुई, जिससे जितना काला धन था वो तो बाहर निकला, पता लगा कि कितना करप्शन था हमारे देश में, कितना काला धन था, तो जो भी था अच्छा हुआ, काला धन बाहर निकला और हमें कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम तो आई नहीं। हमें रोजगार मिलना चाहिए क्योंकि जब बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल जाता तो उसके लिए कोई जॉब नहीं होती है, मतलब कोई खास जॉब तो है नहीं, वही ऐसे ही फिर वन डे एग्जाम, उसमें भी गिने चुने बच्चे, तो थोड़ा हमें यहाँ से कैंपस वेटेज भी नहीं मिलता हमारे कॉलेज में, हमें तो कैंपस वेटेज भी मिलना चाहिए ऐसे कुछ बस। बिल्कुल, एक अहम ये सवाल आया कि कैंपस वेटेज नहीं मिल पाता है।
अब अगर हम आगे की अगर बात करें सरकार से अपेक्षाओं की, यंगिस्तान का कार्यक्रम है तो निश्चित तौर पर ही युवाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम में हिस्सा बनती है। चलिए हम आगे बात करेंगे। आप बताइए कि जिस तरीके से हमने कार्यक्रम रखा है यंगिस्तान की सोच में, आप क्या सोच रखती हो खासकर सरकार के प्रति? इस बार का जो ये पूरा दौर चल रहा, नोटबंदी का दौर चल रहा या फिर बाकी और एजुकेशन पॉलिसी पर हम बात कर रहे हैं, इस देश में एक कोठारी कमीशन बना था एजुकेशन को लेके, उसने कहा था कि इस देश का जो जीडीपी है उसके हिसाब से 6.5% जो होगा वो एजुकेशन पे लगना चाहिए। लेकिन आज हम उस 40-50 साल हो चुके उस कोठारी कमीशन को, और उस कोठारी कमीशन के बाद आज हम 2016 में देखते हैं तो हमारा जो एजुकेशन पे जो जीडीपी का लग रहा है वो लग रहा है केवल 3%। तब हम उस एजुकेशन की बात कहाँ कर रहे हैं, कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को एजुकेटेड कर पाएंगे जब हम केवल 3% उसका आधा, जबकि हमारी जनसंख्या आज 125 करोड़ हो चुकी है और हम युवाओं के देश के नाम पर पूरी पॉलिटिक्स कर रहे, पूरे देश दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, तब हम कैसे बात करेंगे? और जब हम लोग हायर एजुकेशन में और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के परिपेक्ष में देख रहे हैं तो मैं ये देख रही हूं कि जो शिक्षा का जो बजट आ रहा है वो बजट इस बात के लिए कम हो रहा है, हमारा यूजीसी का बजट इस साल 55% कम हुआ है, तो हम कैसे हायर एजुकेशन में किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? और इस बार का जो पिछले साल दिसंबर के महीने में हमारी केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट पे सिग्नेचर किया है और इस हायर एजुकेशन तक को हम निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। अब जो देश दुनिया के जो जिन दुकान जिनकी दुकानें देश दुनिया में नहीं चल पा रही थी, अब हमारे देश में आकर के वो अपनी दुकानें चलाएंगे। सरकार की शिक्षा को लेके या फिर कोई अन्य नीतियों को लेके एक ठोस नीतियां बनी है नहीं बनी, उसमें क्या ये मतलब किताबी आंकड़े और मीडिया में कहने के लिए तो अच्छा है कि देश की सरकारें शिक्षा के लिए कुछ करती हैं, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि हम 1991 के बाद जब हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं उसके बाद हम अपनी शिक्षा में खर्च कितना कर रहे हैं, देश कितना कमा रहा है और हम जितना कमा रहे हैं उसका शिक्षा में कितना खर्च कर रहे हैं। तो हम पैरेलली देख रहे हैं कि हम शिक्षा में कंटिन्यूअस हमारी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हम जो शिक्षा में खर्चा है 3% के ऊपर हमारा बढ़ता नहीं है। यहाँ तक कि जो अभी हमारा रिसेंट जो बजट है वो मतलब नेपाल एक छोटा सा देश उस मुल्क के लगभग है। तो हम शिक्षा पर जब तक खर्च नहीं करेंगे, हम शिक्षा में इन्वेस्ट करने के लिए केवल प्राइवेट सेक्टर को रहने देंगे और हम सोचेंगे कि जो शिक्षा होगी शिक्षा इसलिए होगी कि जो यथा स्थिति है उसको बदलें। राज्य सरकार हमेशा उत्तराखंड में जब भी चुनाव होते हैं तो नरेंद्र सिंह नेगी का जो गाना है हाथन हुस्की पिलाई फूलन पिलाई रम, तो हुस्की और रम पे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। मुझे नहीं लगता है जमीन पे कुछ काम करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ये सिर्फ रोडों के किनारे डेवलपमेंट करते हैं। अगर कोई नेता ऊपर का है उसको डेवलपमेंट कराना है तो वो एक रोड बनवा देगा और कुछ लड़कों को मेले में ले जा देगा, खिला देगा, प्रलोभन दे देगा, और ये एक्टिव होते हैं सिर्फ चुनाव से पहले और साल भर इनका पूरे 5 साल ही अपने विधानसभा क्षेत्र में ये लोग नहीं दिखते हैं। तो युवाओं को बरगला दिया गया है, उनके जो असली मांगे हैं उन्हें नहीं पता है, उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए, मकान चाहिए, उनको वो सब ये लोग भूल चुके हैं। वो सिर्फ छोटे मोटे जो प्रलोभन होते हैं, जो पैसा होता है उसी पर वोट डाल के आ जाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा हमारे देश की बहुत ज्यादा कमजोर है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो देश में अभी जो चल रही है शिक्षा व्यवस्था, जो दोहरी शिक्षा नीति है वो एक सबसे बड़े घातक है हम युवाओं के लिए या कहें तो गरीबों के लिए। देश में जो शिक्षा की जो स्थिति है वो इसलिए बुरी है क्योंकि देश में दोहरी शिक्षा नीति है, गरीब के बच्चे के लिए कुछ और अमीर के बच्चे के लिए कुछ और। तो मैं यही सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि युवा होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, कि देश में एक समान शिक्षा नीति हो। और बात करूं मैं अपने इस कैंपस की तो अभी यहां कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चला था शिक्षा को लेकर, CBCS का जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जो सेमेस्टर सिस्टम है, वो इस विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष से लागू किया गया। लेकिन जो लागू किया गया उसमें आज भी इतनी खामियां हैं कि बच्चों के 1-2 नंबर किसी के सुनने ही आ जाते हैं। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था, और जब हमारे HRD मिनिस्टर यहाँ पे आए थे जावड़ेकर जी, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो संशोधन इसमें जरूर होंगे और उम्मीद करते हैं कि जो संशोधित जो CBCS होगा वो हमारे इस कैंपस में लागू। और शिक्षा की बात करें तो गढ़वाल विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो ऐसा शिक्षा में कुछ ऐसी विशेष कमी तो नहीं है, लेकिन कमियों को सुधार हमें ही करना है और इस पूरी व्यवस्था को करना है। हर बार जब चुनाव होता है तो हम सबके मुद्दे होते हैं या कोई भी जो सवाल करता है, तो बिजली पानी और सड़क, तो मैं सबसे पहले तो ये दुर्भाग्य हमारा कि बिजली पानी और सड़क जैसे मुद्दों के लिए हमें आज तक भी मांग करनी पड़ रही। वो ऐसे मुद्दे हैं जो स्वतः ही अब तक
हमें स्थापित हो जानी चाहिए थे। दूसरी जब बात आती है शिक्षा और स्वास्थ्य की, शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसे मुद्दे जिसपे मैं सरकार से कोई अपेक्षा इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि उस पर खर्च नहीं करेंगे, वो उस पर खर्च इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से उनको रिटर्न या मुनाफा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको खर्च करना पड़ेगा, जब आप खर्च करेंगे वहाँ से रिटर्न कुछ है नहीं, तो वहाँ पे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को मुनाफे के लिए वहाँ पे ऐसे नीतियाँ बनाएंगे कि आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट दुकानें की तरह देहरादून और सब जगह जैसे दुकानें खुल जाती है कि ग्रुप में उस तरह के कॉलेज चल रहे हैं, जो सरकारी प्राइवेट स्कूल है उनको उनमें मतलब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा मतलब हाई एजुकेशन प्राप्त करे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, और वो सरकारी स्कूल में ना वो होकर प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि जो सरकार ने मतलब जो जगह जगह जो प्राइवेट स्कूलें खोल दी हैं, तो वो सरकारी स्कूलों को बंद करने की जो इनकी नीति है, तो सर मुझे लग रहा है यहीं से कहीं ना कहीं ऐसे शुरू हो रही है। उच्च शिक्षा में जिन लोगों की दुकानें अपने देशों में नहीं चल रही है, उनकी दुकानें भारत जैसे देश में खूब चल रही है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से विराम का, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका यंगिस्तान की सोच कार्यक्रम में। चलिए और हम तमाम यहाँ के छात्रों के पास जाएंगे कि किस तरीके की वो सोच यहाँ पे रखते हैं। भैया आप अपना नाम बता दीजिएगा और एक सब्जेक्ट बता दीजिएगा, और महत्वपूर्ण ये है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय आज 43 साल इसको हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से कितने राजनेता यहाँ से निकल गए हैं, और क्या आपके भविष्य को लेके वो सोच? और ये जो यहाँ से खोया तो पता नहीं, मगर पाया यहाँ पे से एजुकेशन पाके काफी निकले हैं, और जहाँ तक राजनेताओं की बात है काफी तो निकल चुके हैं आगे, और बाकी आधे यही है कुछ, तो बस यही है। आपका HM सब्जेक्ट है जी, एक स्कोप सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्या यहाँ से निकलने के बाद, जो कैंपस प्लेसमेंट हो गया, या फिर राज्य सरकार या फिर कोई ऐसी कोई योजना बनाती है कि आपको कोई प्लेसमेंट के लिए एक अच्छा सा प्लेटफार्म दे कि आप आइए यहाँ पे, आप इंटरव्यू दीजिए, साक्षात्कार कीजिए, या फिर आप अच्छे हकदार हो सकते हैं नौकरी के? हाँ, अच्छे हकदार तो यहाँ से हो सकते हैं, मगर सरकार द्वारा इस चीज पे काफी नजरअंदाजी की गई है, यहाँ के लिए लड़कों को HM के खासकर हमारे सभी लड़कों को खुद करना पड़े, इस बारे तो मेन बात तो ये है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और विश्वविद्यालय को भी इसके करना चाहिए प्लेसमेंट के लिए, तो यही है। आपका क्या संदेश होगा सरकार को कि किस तरीके से सोचें? तो सोच तो यही है कि पहले इस विश्वविद्यालय को जितना नजरअंदाज किया गया है तो अब ना करा जाए, तो उसको थोड़ा ध्यान में लाया जाए, नहीं तो जब भी बाहर जाते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि HNB ये कौन सा है, तो ऐसा दोबारा वो ना हो, तो सरकार से यही बात है नजरअंदाज ना किया जाए। हाँ बिल्कुल, सरकार से यही एक बात होगी कि इसको नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि ये वास्तव में शिकायतें रहती है, ये पहली कोई शिकायत नहीं है कि HNB का नाम सुन के हर कोई चौंकता है कि ये HNB है क्या। चलिए अब आगे भी बात करेंगे हम, तो क्या सरकार संगीत को लेके इसमें आपके जो संगीत का आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं, क्या इसके बाद कोई प्लेसमेंट की ऐसी प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है क्या? संगीत ही, आपने संगीत के बारे में पूछा, तो इस समय उत्तराखंड सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और साथ साथ में जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो भी कार्यक्रम कर रही है और जो भी प्रोग्राम चला रही है, तो केंद्र सरकार से हमें बहुत सारी आशाएं हैं, लेकिन ये ठेकेदारी की जो सरकार उत्तराखंड के अंदर चल रही है, ये सरकार केवल ठेकेदारों को ही पनपा रही है और स्टूडेंट को और शिक्षा को लेकर सोई हुई है। अभी हमारे मंत्री प्रसाद नेथानी जी हैं और जो इस समय उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, वो जो है कि मेरी विधानसभा देवप्रयाग आती है, मैं उन्हीं की विधानसभा का हूँ, तो उनके द्वारा भी अभी क्षेत्र से लेकर और जो भी उनके पास डिपार्टमेंट दिए हैं, चाहे वो पेयजल हो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई सुध नहीं ली जा रही है। और अभी हाल ही में माननीय हरीश रावत जी ने भी कहा था कि यदि मंत्री प्रसाद नेतानी जी सुधर गए तो सरकार पूरी सुधर जाएगी, लेकिन फिर भी इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इस वर्तमान स्थिति में हरीश रावत जी के सबसे खास आदमी बन चुके हैं माननीय मंत्री प्रसाद नेथानी जी। तो ये एक ठेकेदारी की सरकार है जो हम युवाओं को और हम सभी को
एक बहुत जल्दी आने वाली विधानसभा चुनाव में एक मुंह तोड़ जवाब देना है और आने वाले जो केंद्र सरकार है केंद्र सरकार के द्वारा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो एक बहुत अच्छी योजनाएं हैं और जिसका भविष्य में सभी छात्र छात्राओं को और सभी स्टूडेंटों को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, खासतौर पर अगर हम इस बात का अगर हम अनुवाद लें या फिर समझने की कोशिश करें तो केवल इससे यही समझा जाता है कि युवाओं को केवल वोट बैंक के तहत ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और युवाओं की जो भागीदारी होती है खासकर सरकार बनाने में, सरकार गिराने में या फिर चुनने में, वो सबसे अहम भूमिका में रहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आप बताइए, आपने, मुझे लगता है शायद आप अभी युवा हैं, बिल्कुल पहली बार वोट देने जाओगे, आप किस सोच के साथ जाओगे कि आप वोट देने जाओगे? एजुकेशन, रोजगार, ये तमाम ऐसी बातें रहेगी। तो जैसे आपने अभी कह रहे थे कि पढ़ाई की, तो मेरे साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर हमें सिर्फ दो प्रोफेसर्स हैं, एक दो एचओटी हेड हैं और दूसरे प्रोफेसर हैं, तो पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ दो टीचर हैं। तो ये हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हाल है पढ़ाई की, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे है। जी, तो मांग क्या रहेगी? तो हमारी मांग ये होगी कि नॉन टीचिंग और जो टीचिंग स्टाफ है उसको बढ़ाना चाहिए, और इसके वजह से तो हमारी जैसे मेरी क्लासेस है तो साइकोलॉजी में उस वजह से, क्योंकि टीचर्स हैं नहीं, इस वजह से वहाँ सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं। फिलॉसफी में भी 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ भी स्टाफ कम है, उसकी वजह से पढ़ाई अच्छी है नहीं, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आते, अदर कॉलेजेस में जाते हैं। इसको कमजोरी क्या मानते हैं आप, गढ़वाल विश्वविद्यालय की कमजोरी है या सरकार की? ये एक्चुअली सरकार की कमजोरी है, क्योंकि विश्वविद्यालय तभी वो करेगा जब सरकार उसके लिए बजट देगी। तो आप टीचर्स के लिए क्या आपका संदेश क्या होगा, क्या मांग रहेगी आपकी, आपकी एक जो आवाज है, क्योंकि हमने कोशिश की है युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे, तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से कि आप कुछ कीजिए हमारे लिए? सरकार को ये करना चाहिए कि जैसे प्रत्येक साल इतने जी ठोस नीतियाँ वगैरह बनानी चाहिए, तो इतने लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनके लिए कहीं एक तरफ लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा है वो कि स्टाफ खाली है, तो सर वो स्टाफ हैं जहाँ एक तरफ लोग बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि स्टाफ खाली है, तो वो कोऑर्डिनेट हो सकता है, वो भरत जा सकते हैं उनके जरिए। बिल्कुल, एक तरफ स्टाफ खाली होता है, दूसरी तरफ बेरोजगार बेरोजगारी की तरह घूमते रहते हैं। अब आगे भी हम कोशिश करेंगे जानने की कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्र हैं क्या सोचते हैं, खासकर क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनाव होना भी नजदीक आ गया है और इसके बाद जो रिजल्ट जो आएंगे वो हम तो यही मानेंगे कि वो युवाओं के हाथ में होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हमारे साथ एक युवती भी, हम उनसे भी जानने की कोशिश कर, बीएड आप कर रही है, यानी कि आप भविष्य में बच्चों को पढ़ाने जाओगी, लेकिन अगर वर्तमान की अगर स्थिति देखें तो सरकार और आपके बीच में कितना आप समझती है कि बहुत ज्यादा अंतर है कि आपकी अपेक्षाओं पर सरकार खरा नहीं उतर पाती? सर देखिए, अब जो है देश में शिक्षा की गुणवत्ता धीरे धीरे घट रही है, तो इसका इम्पैक्ट टीचर पे भी पड़ रहा है। जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो उसमें बताया गया है कि जो 50 बच्चों पे टीचर होंगे 16 ऐसे टीचर होंगे, और पूरे जो 100 बच्चे हैं एक सत्र में जो होते हैं तो 24 टीचर होंगे, लेकिन अभी हमारे पास 3 प्रोफेसर हैं, टोटली 8 टीचर हैं, तो उसके कारण हमारी शिक्षा पे भी प्रभाव हो रहा है। और अच्छा जो क्वालिटी जो टीचर वहाँ से पैदा होगा, जो शिक्षण ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो अच्छी नहीं हो पा रही है। अब सर एक तो सरकार को यही है कि शिक्षा को ध्यान देते हुए वहाँ फैकल्टी नियुक्त करें वो, और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता की और जो नियम कानून है उसको अच्छा बनाए। बिल्कुल, शिक्षा को लेके नियम कानून अलग से बने, क्योंकि मुझे लगता है शायद देश भर में, भारत जैसे देश में शिक्षा चिकित्सा ये दो ऐसे अहम मूलभूत विषय हैं जिन पर सुविधाएं देने के नाम पर सरकार बेतरतीब तरीके से पैसा खर्च करती है। सबसे पहले तो एक मेन पॉइंट ये भी कि यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री आना काफी बड़ी बात रहेगी, क्योंकि जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू जैसे बच्चों के साथ जो वहाँ से
पढ़ के निकलते हैं उनके साथ कंपटीशन में कम्पीट करना पड़ता है, और यहाँ की जो बीएससी की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इतनी एजुकेशन की इतनी क्वालिटी नहीं है कि हम क्लास में जो कोर्स अपना कम्प्लीट करके वहाँ जाके कम्पीट कर सके। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही रहेगा कि आप ऑनर्स की डिग्री को यहाँ पे लाते तो काफी सही रहता। तो आपने तमाम बिंदु सुने, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं थे और यंगिस्तान की सोच कार्यक्रम में आज इन्होंने जिस तरीके से अपने मुख्य बिंदुओं को रखा है सरकार के सामने कहें या फिर आने वाली सरकार के सामने, जो मुख्यतः रोजगार अपलाइन को किस तरीके से रोकना या फिर शिक्षा के स्तर को किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। यंगिस्तान कार्यक्रम को आज हम समाप्त करते हैं श्रीनगर से यहीं पर, और आगे किसी दूसरे शहर पर आपको लेके चलेंगे। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।